महाशिवरात्रि पर्व को लेकर ट्राइसिटी में हर वर्ष धूम देखने को मिलती है, तो वहीं पंचकुला के महादेवपुर कॉलोनी स्थित केतवी मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मंदिर में अधिकतर सजावट पूरी हो चुकी है। मंदिर की फूलों की सजावट के लिए दिल्ली से स्पेशल कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर कमेटी की ओर से इस बार 250 क्विंटल दूध और ब्रेड ट्रक फ्रूट के इंतजाम किए गए। पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। हर 50 गज पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है, जो कि शास्त्रों के अनुसार अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वालों को अक्षमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा। जी सर, कल शिवरात्रि है और आप प्रधान हैं सर, किस तरीके के जो मंदिर में परिसर में प्रबंध किए गए हैं? गत वर्षों की भांति ही इस बार भी हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर तरह से कोशिश की है, जिसमें उनके आने के लिए हमने जहाँ जूता स्टैंड है वहाँ से यहाँ तक मैट बिछाए हुए हैं कि इनको नीचे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जो जल अभिषेक होता है उसके लिए घर से दूध और जल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो खुद सेवादार हैं यहाँ पे, उन्होंने भाई रखा हुआ है, उनको गड़बी में डाल के जल में चढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था होगी। जल चढ़ाने के बाद एकदम पीछे हमारे लंगर लगे हुए हैं, जिसमें 250 क्विंटल दूध है, 2.5 लाख बनाना है, और उसके साथ ही फ्रूट है, और भी फ्रूट है, हर तरह का फ्रूट, उनको जितना मर्जी खाए कोई, जितना मर्जी दूध पिए, व्यवस्था कर रखी है हमने। सर, अगर आज की बात करें तो कल शिवरात्रि है, तो एक दिन पहले ही जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में आने हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि लाखों में लोग आते हैं, हर किसी को की कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल चढ़ाऊं और जाऊं, तो हम 9:30-9:30 मंदिर बंद कर देते हैं गेट, और गेट के बाहर लोग मैट पे बैठ जाते हैं और किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइन रात ही लग जाती है। लेकिन जब भी 12 बजे हम खोलते हैं मंदिर को, तो लोग जल चढ़ा के अपने फार्ग होके घर चले जाते हैं। यहाँ भीड़ भड़कता नहीं होता है। व्यवस्था ये कर रखी है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन सारा इस हमारे साथ लगा हुआ है, यहाँ भीड़ नहीं होने देते हम। सर, दूधों की अगर प्रसाद की बात करें तो अंदाजा कितने क्विंटल दूध आ जाता है? 250 क्विंटल दूध मंदिर का बुक है, बाकी जो आना है लोगों का वो अनगिनत है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। वो आता है, गर्म होता है, पीते हैं, और इसमें कोई हिसाब नहीं है। तो फ्रूट की भी बात करें, फ्रूट की भी क्वांटिटी हमारे कम से कम 1.5 ट्रक 2 ट्रक जो है ना फ्रूट के लगे होते हैं हर वक्त। ओके, तो सर, फ्रूट लगा हुआ है, और साथ साथ में अगर जिस वक्त देखा कि थोड़ा सा कम हो, उसी वक्त ऑर्डर आता है, फ्रूट आ जाता है। तो सर, अगर जनसंख्या की बात करें तो हर साल कितने जनसंख्या आती है और इस बार कितने की उम्मीद है? देखो, पिछली बार पुलिस वालों ने कहा था 5 और 6 के बीच लाख आदमी आया था 24 घंटे में। अब क्या कह सकते हैं इस पर, तो कितना होता वो गिनती करते हैं, उनका जो अपना पुलिस वालों का हिसाब किताब है वो अपना पूरा डाटा देते हैं। सकेतड़ी मंदिर की बात करें तो दूर दूर से श्रद्धालु हर साल आते हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी की तादाद में वो लोग आते हैं? देखो, बाहर से भी हजारों आदमी आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई पटियाला से, कोई अम्बाला से, कोई लुधियाना से, तो वो मिल के जाते हैं कि हम वहाँ से बाहर से आए हुए हैं, तो उनके रहने और खाने की व्यवस्था, लंगर तो चल ही रहा है, उनके रहने की व्यवस्था भी हमने पूरी यहाँ रखी हुई है। तो सर, ऐसे में जो पुलिसकर्मी कल सुरक्षा पे ड्यूटी करेंगे, उनके लिए कुछ खास तरीके से खाने खुने का प्रबंध ऐसा कुछ? हमने कल के लिए आम पब्लिक के लिए कोई लंगर नहीं है, लेकिन जो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग ड्यूटी पे हैं, उनको हम पैक फूड यहाँ बना के, ताजा फूड, जहाँ वो ड्यूटी पे हैं वहाँ पे पानी भी और फूड पैक हर जगह दिए जाएंगे। सुरक्षा की किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? सख्ता पुलिस ने, हर 50 गज पे पुलिस होती है, कोई लाइन नहीं तोड़ता, और बड़े आराम से मत्था टेकते हैं। बाकी सजावट के बारे में बताऊं आपको, सजावट के बारे में दिल्ली से डेकोरेटर आए हैं अभी फ्लावर डेकोरेशन के लिए, यहाँ के लोकल नहीं है, वो भी श्रद्धालु करा रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था जो है श्रद्धालु करा रहे हैं कि भाई दिल्ली से आए हैं इस पर डेकोरेशन, तो डेकोरेशन आपने देख ही ली होगी, फूलों की गुफा है, मंदिर पूरा सजाया हुआ है। तो सर, हमारे से चैनल के माध्यम से शिव भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम भक्तों से यही अपील करते हैं, से ज्यादा स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करें। यही एक मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग स्थापित नहीं हुए हैं, स्वयंभू हैं, प्रकट हैं, और यही कारण है कि ट्राई सिटी में सबसे ज्यादा भीड़ इसमें होती है। अब मैं
हाथ जोड़ के सभी श्रद्धालुओं से बेनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस मौके का फायदा उठाएं। महाशिवरात्रि मेला को लेकर हमारे DCP साहब द्वारा काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस डिप्यूट की गई है, लैंड ऑर्डर ड्यूटी करने के लिए तैनात किए गए हैं, बैरिगेटिंग की गई है। तो सर ऐसे में काफ़ी भारी संख्या में लोग आएंगे, तो बॉम्ब स्क्वाड टीम टाइप के ऐसी कुछ सुरक्षा और भी देखने को मिलेगी? बम स्क्वाड टीम वगैरह भी अपना प्रॉपर निरीक्षण करती है यहाँ पर, बम स्क्वाड टीम भी आएगी। बैरिगेटिंग कहाँ से कहाँ तक लगे होंगे सर? तो हमारी बैरिगेटिंग जैसे संकेतरी गांव में आने वाले रास्ते पर बैरिगेटिंग की जाएगी, कोई भी गाड़ी व्हीकल वगैरह अंदर नहीं आने दिया जाएगा, अंदर पैदल ही लोग आएंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।